हेलो फ्रेंड्स, हॉलीवुड की बड़ी फ्रेंचाइज, एक एक्शन फ्रेंचाइज जिसने अपनी बड़ी मूवी बड़ी इंस्टॉलमेंट को लेकर एक बड़ा और दमदार फैसला किया है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, और वो है फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में एक नए करेक्टर की आमद। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं F10 मूवी को लेकर, इस मूवी के रिलीज डेट पर बात करेंगे, इस मूवी के नए करेक्टर को लेकर बात करेंगे जो कि हॉलीवुड के एक बड़े सुपरस्टार हैं जिनको इस मूवी में डाला गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए अगर आप भी इस एक्शन फ्रेंचाइज के दीवाने हैं। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज के 10 पार्ट की, जिसको रिलीज किया जा रहा है मई 19, 2023। जी हाँ फ्रेंड, 2023 में इस मूवी के 10 पार्ट को रिलीज किया जाएगा और इसके बाद 11 पार्ट आएगा जो कि आखिरी पार्ट रहेगा। लेकिन एक बहुत बड़े और नामवर स्टार को इस मूवी में कास्ट किया गया है जिनका नाम है जेसन मोमोआ। आप इनको देख चुके हैं एक्वामैन मूवी में, इसके अलावा एप्पल टीवी के साथ मिलकर ये सी सीजन भी कर चुके हैं, बड़ी बड़ी मूवीज इनके नाम है। गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन में भी आपने इनको देखा, लेकिन अब की बार ये भिड़ने जा रहे हैं हॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार यानी के विन डीजल के साथ, जो के शुरू से ही फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज का हिस्सा रहे हैं। तो दोस्तों, इस खबर ने सोशल मीडिया को एक बार हिलाकर रख दिया है कि जेसन विन डीजल के साथ F10 में काम करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा हमें देखने को मिलेंगे जैकब टोरेटो जिनका करेक्टर निभाया जॉन सिन्हा ने। तो इस तरह शुरू से ही फास्ट एंड फ्यूरियस की फ्रेंचाइज बड़े बड़े स्टार्स को इसमें ऐड करती रहती है। जिस तरह के हॉलीवुड के सबसे महंगे स्टार डेन जॉनसन को इस मूवी में लाया गया, उसके बाद जेसन स्टेथम को लाया गया, और अब बारी है एक्वामैन यानी के जेसन मोमोआ की। और ऑफिशियली तौर पर फास्ट एंड फ्यूरियस की टीम ने इस बात की कंफर्मेशन की है और ट्वीट भी किया है कि हमने जेसन को इस मूवी में कास्ट कर लिया है, जो कि हमें F10 और F11 में देखने को मिलेंगे। लेकिन अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या डेन जॉनसन की वापसी होगी F10 में या नहीं, और क्या जेसन स्टेथम भी इस मूवी में हमें देखने को मिलेंगे या नहीं। इस बात की अभी कोई भी 100% कंफर्मेशन नहीं है कि इन स्टार्स को भी ऐड किया जाएगा या नहीं। तो F10 के दीवानों के लिए ये एक बड़ी खबर है कि बड़े स्टार को इस मूवी में कास्ट किया गया है। और इस मूवी की शूटिंग की बात की जाए तो शूटिंग भी इस मूवी की जा रही है, जहां पर कुछ अहम एक्शन सीक्वेंस को शूट किया जा चुका है और बहुत जल्द सेट को ज्वाइन कर लेंगे एक्वामैन भी, और उनके सीन्स को भी शूट किया जाएगा। तो आप कितने एक्साइटेड हैं F10 मूवी को लेकर, और क्या आप भी फास्ट एंड फ्यूरियस के दीवाने हैं? तो अपना कमेंट जरूर पोस्ट करें, और ऐसी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए मूवी कॉर्नर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। थैंक यू।